जिसमें दिया हुआ है इफ इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन यू एन वी डब्ल्यू बी द वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेज ए बी सी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स शो दैट द पीरियड टी इज गिवन बाई इक्वेशन। यदि SHM में चलने वाले एक कण के किसी सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से जो बल केंद्र नहीं है ए बी सी दूरी पर वेग क्रमशः यू वी डब्ल्यू हों तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। हमें दिया हुआ है एक कण SHM में गति कर रहा है, ये O है। SHM गति के लिए उसने ये दिया हुआ है कि एक सरल रेखा पर एक स्थिर बिंदु से, यहाँ एक स्थिर बिंदु मान लेते हैं P, इस स्थिर बिंदु से A दूरी पर कोई बिंदु Q, B दूरी पर कोई बिंदु R और C दूरी पर कोई बिंदु S है। हम ये मान के चलते हैं कि P, Q, R, S पर कोई भी हमारे पास ए बी सी दूरी पर इन बिंदुओं पर जो वेग है वो दिया हुआ है हमें। हमारे पास ए दूरी पर यानी इस बिंदु पर वेग यू है, इस पर वेग वी है और इस पर वेग डब्ल्यू है। तो हमें सिद्ध करना है कि आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल टी जिसका मान 2π/√μ दिया जाता है, वो इस समीकरण से ज्ञात होगा जो इसने समीकरण दे रखी है। सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो फिक्स बिंदु, जो मूल बिंदु नहीं है या बल केंद्र नहीं है, उसकी दूरी d है। अगर d है तो हमने जो समीकरण पढ़ी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, किसी बिंदु पर कण का वेग जो वी स्क्वेयर होता है वो म्यू इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। यहाँ a की जगह कैपिटल A मान लेते हैं क्योंकि आयाम कैपिटल A के अकॉर्डिंग हम सपोज मान करके चलेंगे कि कैपिटल A उसका आयाम है। आयाम का मतलब O से इस कैपिटल A तक की दूरी को कैपिटल A मान लिया हमने। सबसे पहले x बराबर हम Q बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो Q बिंदु पर जो दूरी होगी केंद्र से वो A प्लस डी होगी और वेग जो होगा वो हमारे पास दिया हुआ है यू के इक्वल। ये वैल्यू पुट करें तो यू स्केयर इक्वल्स टू म्यू इंटू ए स्केयर माइनस ए प्लस डी का होल स्केयर बनेगा, जिसको यू स्केयर अपॉन म्यू बराबर ए स्केयर माइनस डी स्केयर माइनस टू ए डी के रूप में लिखेंगे। और सॉल्व करें इसको तो ये लिखा जा सकता है यू स्केयर अपॉन म्यू माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए डी प्लस, इसमें स्मॉल ए स्क्वेयर को इसके साथ में यूज कर रहे हैं और कैपिटल ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर को इसके साथ इक्वल्स टू जीरो। ये एक इक्वेशन बनेगी, प्लस का डी स्केयर और माइनस का ए स्केयर आएगा, माइनस का ए स्केयर और प्लस का डी स्केयर इक्वल्स टू जीरो के रूप में। कुछ इसी प्रकार से स्मॉल ए स्केयर भी प्लस का होगा। कुछ इसी प्रकार से बी बिंदु पर ज्ञात करते हैं, यानी ये तो पी बिंदु पर था, अब क्यू बिंदु पर क्या, क्यू बिंदु पर तो ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए समीकरण लिखी थी, आर बिंदु पर लिखते हैं, ये तो है क्यू पॉइंट पर, आर बिंदु पर अंतर इतना आएगा वी यू की जगह वी आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा और इस स्थिर बिंदु से ये बी दूरी है, भी टोटल ये बी दूरी है और ये टोटल सी दूरी है, इनके बीच की ये दूरी नहीं है, ये बी दूरी है स्थिर बिंदु से और ये सी दूरी पर है। तो यहाँ पे अंतर इतना ही बनेगा कि ए की जगह बी आ जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। और थर्ड इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू स्क्वेयर अपॉन म्यू एस पर प्लस सी स्क्वेयर टू सी डी
डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगी, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसमें से एक तो 2d है और एक डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, इसका विलोपन करने पर। अब डायरेक्ट विलोपित करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये काम, तीन इक्वेशन दी हुई हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। इनके जो कोफिशियंट्स हैं उन कोफिशियंट्स को ओनली लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। अगर इनके कोफिशियंट को लिखते हैं तो जैसे पहली रो के अंदर इसके कोफिशियंट्स कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा यू स्केयर अपॉन म्यू प्लस ए स्केयर, वी स्केयर अपॉन म्यू प्लस बी स्केयर, डब्ल्यू स्केयर अपॉन म्यू प्लस सी स्केयर। टू डी का कोफिशियंट लिखेंगे ए बी सी, और इसमें अगर कोफिशियंट लिखेंगे डी स्केयर माइनस ए स्केयर का तो 1 1 1 बराबर 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सारणिक का एक नियम है हमारे पास। इस सारणिक के नियम के अनुसार यू स्केयर अपॉन म्यू, वी स्केयर अपॉन म्यू और डब्ल्यू स्केयर अपॉन म्यू, यहाँ आ जाएगा ए बी सी एक 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 प्लस, इसमें है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए बी सी एक 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 बराबर 0। योग का नियम लगाया है, दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो जो तीसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ जो होता है अनइक्वल होता है, वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे एडिशन में दिया हुआ था, हमने दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। सारणिक का नियम था, उस सारणिक के नियम से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो एक पर्टिकुलर आंसर बनेगा, ए माइनस बी प्लस इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दो दो को घटा के। और वो सारणिक को हल करना आपको आता है, सीधा याद रख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है इसमें जिसमें हमें इसका यूज़ करना पड़ रहा है। जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट में ये पार्ट आता है तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें 1/μ कॉमन आ रहा है, अगर 1/μ कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वी स्केयर यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1 प्लस, उस तरफ का जो पार्ट है वो डायरेक्ट हमारे पास, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इस टर्म को इधर ही रखो, वी स्केयर यू स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1 माइनस में चला जाएगा म्यू इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। टी की वैल्यू जो है वो 2π अपॉन अंडर रूट म्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4π स्क्वेयर अपॉन कैपिटल टी स्क्वेयर। ये वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन गई, 4π स्क्वेयर अपॉन कैपिटल टी स्क्वेयर इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का वी स्केयर यू स्केयर सॉरी उल्टा लिखा है इसमें यू वी डब्ल्यू है यू स्केयर ए 1 वी स्केयर बी 1 डब्ल्यू स्केयर सी 1। इस इक्वेशन से हम इस टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था। उसने एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, ए बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड द अदर एंड मूव्स इन ए वर्टिकल लाइन विद एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड ए मेकिंग एन कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, शो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस एन स्केयर इज स्मॉलर देन जी अपॉन 4π स्केयर ए। एक पिन किसी अविस्तरणीय डोरी के सिरे पर बंधा है, एक इस प्रकार से हमारे पास अविस्तरणीय डोरी है, उसके सिरे पर बंधा हुआ है एक कण बिंदु पर।
और डोरी का दूसरा सिरा एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में आयाम एक की SHM के अंतर्गत प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। यहाँ से एक A आयाम का SHM कंप्लीट कर रहा है ये, और n पूर्ण दोलन है यानी इसकी आवृत्ति जो है वो n के इक्वल हमें दी हुई है। प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है, n पूर्ण दोलन करने का मतलब है कि इसकी जो आवृत्ति है वो n दी हुई है जो 1/T से व्यक्त की जाती है। हमें सिद्ध करना है कि गति के समय डोरी कभी तनी नहीं रहेगी जब तक कि n स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन नहीं हो g/4π2। ये जो डोरी है उसमें खिंचाव जो उत्पन्न होता है वो तब तक नहीं आएगा जब तक n स्क्वायर स्मॉलर देन है g/4π2 के। ये हमें सिद्ध करना है। हमें पता है कि इस पर दो प्रकार के बल कार्य रहते हैं, एक तो बल केंद्र की ओर इसका त्वरण और एक गुरुत्वाकर्षण बल। अगर त्वरण ज्यादा है तो डोरी ऊपर की ओर जाएगी या कण ऊपर की ओर जाएगा, और अगर कण ऊपर की ओर जाएगा तो डोरी ढीली हो जाएगी, तनी हुई नहीं रहेगी। यह डोरी तभी तनी हुई रह सकती है जब इस पर लगने वाला जो बल नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिकतम हो, यानी mg का मान अधिकतम हो या g का मान अधिकतम हो, तभी यह संभव है। सबसे पहले हम त्वरण निकालते हैं और त्वरण के बाद में उन दोनों में तुलना करेंगे कि g का मान ग्रेटर कब होगा। g का मान ग्रेटर होगा उसकी स्थिति को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब सबसे पहले ये देखो कि डोरी जो है वो SHM गति कर रहा है। अगर SHM गति कर रहा है तो SHM में हमने पढ़ा था x// इक्वल होता है μ अधिकतम त्वरण क्या था, μ A के इक्वल था। जब हमें n बराबर दिया हुआ है, n आवर्ती दी हुई है, आवर्ती दी हुई है तो 1/T के मान के बराबर दिया हुआ है, और t जो होता है वो √μ/2π हो जाएगा। इससे म्यू की वैल्यू निकल सकती है 4π² n² ये वैल्यू इसमें पुट करें तो त्वरण जो आया वो हमारे पास कितना हुआ 4π² n² × A के इक्वल। हमें पता है कि जो रस्सी है तनी रहेगी यदि g बड़ा हो इस त्वरण से, जो हमने त्वरण निकाला है अधिकतम त्वरण, अगर उससे बड़ा होगा g का मान तभी डोरी तनी रहेगी वरना डोरी तनी नहीं रहेगी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं n² > g/4π² A, जो हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स विद SHM इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस बी इन द सेम डायरेक्शन। प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज दिस एंड इट इज इट्स पीरियड ऑफ इज गिवन बाई। सो एक SHM के अंतर्गत एक सरल रेखा में गमन करता है, विरामावस्था से चलने के पश्चात 1 सेकेंड में वह ए दूरी तय करता है और अगले सेकंड में उसी दिशा में बी दूरी चलता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम 2a² / 3a - b और आवर्तकाल 2π sec 1 b - a/2a के इक्वल है। देखो SHM की गति है, SHM गति में हमने यही पढ़ा हुआ है कि एक बल केंद्र है, यहाँ पे a है और यहाँ से हमने a' बल केंद्र के विपरीत दिशा में हमारे पास दोनों बिंदु, इस O से A तक की जो दूरी है वो हम मान के चलते हैं D है, जिसे हम आयाम कहते थे। अब कण विरामावस्था से शुरू कर रहा है, विरामावस्था हमें पता है कि हमेशा A बिंदु पर होती है, यहां पे इसका वेग जो होता है वो 0 होता है, इसी के कारण वो आगे की ओर नहीं जाता, वापस बढ़ता है।
तो उसने विरामावस्था से चलना शुरू किया, इसका मतलब ए बिंदु से चलना शुरू किया है। अगर ए बिंदु से चलना शुरू किया है तो इसकी गति जो होगी वो इस तरफ होगी, एक सेकंड पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी ए है और अगले सेकंड में यानी दो सेकंड हो गए यहां तक अगर शुरू से मान के चले तो, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वैसे तो एक सेकंड ही है, इसके बीच में हम मान के चल रहे हैं कुल दूरी मानेंगे तो दो सेकंड हो जाएंगे, यहां पे तय की गई दूरी है वो बी दी हुई है, यानी इस पी बिंदु पर और इस क्यू बिंदु पर जो उसने ए बिंदु से दूरी तय की है वो ए और बी है, और हमने जो ओ से लेकर ए तक की कुल दूरी मानी है वो कितनी मानी है, डी। हमें एक तो आयाम निकालना है और एक आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल के लिए सूत्र होता है टी बराबर दो पाई बटे अंडर रूट म्यू का मान चाहिए, और आयाम निकालने के लिए हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले जब कण ए से ओ की ओर गति करता है तो उसके लिए हमने एक समीकरण पढ़ी थी, कण की ए से ओ की ओर गति के लिए यह हमने पढ़ा था x बराबर एक बटे अंडर रूट म्यू कॉस ऑफ ए हमारे पास था अंडर रूट म्यू टी, x बराबर a की जगह यहां हमने आयाम d लेके चल रहे हैं इसलिए d लेना पड़ेगा, x बराबर d इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, ये हमने पीछे जब a से o की ओर आता है, o से a की ओर था तो साइन में था, a से o की ओर आता है तो कॉस में था। आई बात समझ में? इसमें सबसे पहले t बराबर एक सेकंड पर x जो होगी, x होती है हमेशा इस बल के अंदर से दूरी, अगर बल के अंदर से दूरी होती है तो बल के अंदर से इसकी दूरी क्या है, अब हमारे पास ये जो दूरी होगी वो d माइनस a होगी, ये दूरी कम हो गई d से, तो इसका मतलब x की वैल्यू d माइनस a है, उस स्थिति में d माइनस a बराबर d इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू इंटू वन सेकेंड, एक सेकेंड पर निकालना है, t की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं। फिर t बराबर दो सेकेंड पर x बराबर, अब जो t बराबर दो सेकेंड पर x की दूरी, ये जो दूरी होगी वो कितनी बचेगी, d माइनस a माइनस बी, ये समीकरण एक लेके चल रहे हैं, ये मान फिर से रखें तो d माइनस a माइनस बी बराबर आ जाएगा d इंटू कॉस ऑफ दो अंडर रूट म्यू। हमने कॉस ऑफ दो अंडर रूट म्यू को कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला था एक हमारे पास कॉस दो थीटा बराबर दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक आएगा, यहां डी होगा डी माइनस ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। कॉस दो अंडर रूट म्यू का मान रख दें d माइनस ए माइनस बी बटे डी, दो इंटू कॉस स्क्वेयर अंडर रूट म्यू, कॉस अंडर रूट म्यू की वैल्यू रख देते हैं d माइनस ए बटे डी का होल स्क्वेयर माइनस एक, इसको सॉल्व करेंगे d का मान ज्ञात करेंगे। सॉल्व करने के लिए d माइनस ए माइनस बी अपॉन d बराबर इधर d स्क्वेयर लघुत्तम दो डी स्क्वेयर प्लस दो ए स्क्वेयर माइनस चार ए डी माइनस एक, डी स्क्वेयर लघुत्तम लिया है माइनस एक की जगह डी स्क्वेयर आ जाएगा, लघुत्तम लिया इस तरफ डी स्क्वेयर लघुत्तम ले लिया, दो से गुणा किया इसका वर्ग भी खोल दिया साथ के साथ, एक डी से एक डी कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर माइनस डी ए माइनस डी बी बराबर एक डी स्क्वेयर से ए डी स्क्वेयर कैंसिल डी स्क्वेयर प्लस दो ए स्क्वेयर माइनस चार ए डी, ये डी स्क्वेयर से ए डी स्क्वेयर भी कैंसिल, चार ए डी है इधर आएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और इस चार ए डी में से एक ए डी ये घटाएंगे थ्री ए डी माइनस बी डी बराबर दो ए स्क्वेयर, डी कॉमन लेके अगर डी की वैल्यू निकालें तो एक तो आ जाएगी दो ए स्क्वेयर बटे तीन ए माइनस बी, जो पहला पार्ट हमें प्रूफ करना था इसका आयाम जो था वो दो ए स्क्वेयर बटे तीन ए माइनस बी हमें सिद्ध करना था। एक इसमें निकालना है हमें आवर्तकाल,
आवर्तकाल निकालने के लिए समीकरण एक का उपयोग करते हैं, समीकरण एक से। अगर समीकरण एक से मान निकालेंगे तो ये होगा d माइनस ए बटे डी बराबर कॉस अंडर रूट म्यू, अंडर रूट म्यू का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स, d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। अगर d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ए स्क्वेयर बटे 3 ए माइनस बी माइनस ए बटे 2 ए स्क्वेयर बटे 3 ए माइनस बी। 3 ए माइनस बी लघुत्तम आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 ए स्क्वेयर माइनस 3 ए स्क्वेयर प्लस 3 ए बी बटे 2 ए स्क्वेयर, 3 ए माइनस बी लघुत्तम लिया हमने, 2 ए स्क्वेयर में से 3 ए स्क्वेयर घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट म्यू बराबर कॉस इनवर्स ऑफ ए कॉमन आके कट जाएगा, यहां पे बच जाएगा हमारे पास माइनस ए और प्लस 3b, यानी 3b माइनस ए बटे 2a के इक्वल। आवर्तकाल निकालना है जो 2π बटे कॉस इनवर्स 3b माइनस ए बटे 2a के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें इसमें एक गलत दे रखा है, सेकंड वर्स नहीं लिख सकते इसको, इसने सेकंड वर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सेकंड वर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो बटे में ही आएगा, ऊपर इसमें पार्ट में नहीं आएगा। पहला सवाल दिया हुआ है इसमें, किसी सरल रेखा में गतिमान एक कण P का वेग संबंध वी स्केयर बराबर, एक्सरसाइज सेकेंड ए का पहला सवाल है, वी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्केयर से प्राप्त होता है। एक्स सरल रेखा पर एक स्थिर बिंदु से पी की दूरी है, ए और बी धनात्मक अचरांक है, सिद्ध कीजिए कि पी की गति एस एच एम है। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ए बी आर द कॉन्स्टेंट, देन प्रूव दैट दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एस एच एम। इसको प्रूफ करने के लिए एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा 2v dv by dx equals to minus 2bx, 2 से 2 कैंसिल, v dv by dx त्वरण को व्यक्त करता है जो x डबल डॉट से लिखा जाता है, equals to minus bx बन गया, जो कि एस एच एम गति के लिए हमारे पास नियम है, क्योंकि त्वरण जो है वो x के समानुपाती आ रहा है और एस एच एम गति है, तो एस एच एम के अंदर हमारे पास म्यू की वैल्यू निकालें तो बी आ रही है। एक तो इसने पूछा है हमारे पास इसका आयाम क्या होगा, इसका आयाम ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि अधिकतम मान जहां पर हमारे पास वेग शून्य हो जाता है वो उसका आयाम होता है। अगर वह मान आयाम होता है तो हम वी के बराबर जीरो रख देते हैं, वी बराबर जीरो रखेंगे तो जीरो बराबर ए माइनस बी एक्स स्क्वेयर, बी एक्स स्क्वेयर बराबर ए, एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट ए बटे बी, जो कि इसका आयाम होगा, अर्थात एस एच एम का जो आयाम है वो अंडर रूट ए बटे बी है। फिर उसने पूछा है आवर्तकाल, आवर्तकाल जो होता है वो 2π बटे अंडर रूट म्यू होता है। अगर तुलना करें तो म्यू की वैल्यू बी थी, 2π अपॉन अंडर रूट बी सेकेंड उसका आवर्तकाल है जो हमें ज्ञात करना था।